जीवन का आनंद भोगने में नहीं है, त्यागने में है। ये गंभीर बात आप समझ लीजिए तो जीवन आपका हमेशा खुशी रहेगा। जीवन के कोई भी क्षण को अनुभव करिए। आप सबसे ज्यादा आनंद कब महसूस करते हैं? जब सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के लिए जाते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तब आनंद मिलता है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। हाँ, सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के साथ साथ मूत्र का त्याग करते हैं, तब आनंद मिलता है। सोचिए तो सही, यहां तो त्यागने में आनंद है, भोगने में आनंद नहीं। और भोगने की कोई सीमा नहीं होती, त्यागने की एक लिमिट है, आप अवर लिमिट तक जा सकते हैं। भोगने में आप डूबना शुरू कर दीजिए, उसमें से बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए भारतीय संस्कृति हमेशा से त्यागने पर जोर देती है, भोगने पर नहीं। भोगी जो होता है, जो कामी होता है, जो विषय वासना में डूबा होता है, वो हमारे समाज में सबसे निकृष्ट माना जाता है। भारतीय समाज में जो त्यागी है वो ऊंचा माना जाता है, ऊपर उठा हुआ माना जाता है। तो इस देश में तो हमेशा से जो जितना बड़ा त्यागी, जो जितना बड़ा फकीर, वो उतना ही ऊंचा है। ये भारतीय समाज की विशेषता है। तो हमने तो त्याग और संयम को ही हिंदुस्तानी संस्कृति का बेस माना है। यूरोप और अमेरिका में क्या है, इसके ठीक उल्टा, जो जितना भोग करे वो उतना ही डेवलप्ड है। माने किसी के पास एक कार है तो कम डेवलप्ड है, दो हो जाए तो ज्यादा है, तीन हो जाए और ज्यादा है, चार हो जाए और ज्यादा, और दस बारह पचास हो जाए तो बिलियनर है। यहां तो जिसने छोड़ा है वो भगवान है, वहां तो जो भोग रहा है उसको कहते हैं कि वो। तो यहां डेवलपमेंट की यात्रा क्या है, भोग से त्याग की तरफ, ये है डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट अगर हम नहीं समझेंगे तब तक हिंदुस्तान का शायद कल्याण नहीं होने वाला। ये गंभीर बात आपको समझनी ही पड़ेगी। और जब आप डेवलपमेंट की इस परिभाषा पर कसना शुरू करेंगे तो हिंदुस्तान में आपको जो विकसित नजर आएंगे वो ऐसे ही लोग होंगे जिनको आज आप हिकारत से देखते हैं, वो शायद इस देश के सबसे विकसित लोग होंगे। समझिए, ये भारतीय संस्कृति है।